तो क्या है सही बताएं, एक तरफ से मतलब हम लोगों से जो है हम लोग के गुरु लगेंगे एक हिसाब से, जो कि इसलिए दोस्तों हमारे गांव से मालती। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे, आप देख रहे हैं नन्हे ऊर्जा गाँव की। दोस्तों आज 30 मई 2022 को मीटअप प्रोग्राम रखा गया है। विष्णु राज जी के चैनल पे 30 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं और उसके उपलक्ष्य में मीटअप प्रोग्राम रखा गया है। आप देख सकते हैं दूर दूर से यहाँ लोग आए हुए हैं और मीटअप कर रहे हैं। विष्णु जी सबका चैनल सपोर्ट कर रहे हैं। और चलिए हम एक चर्चित हस्ती से आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ में जुड़े हैं एक चर्चित चेहरा मिस्टर विष्णु राज जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे आपका। दोस्तों नन्हे ओझा गांव की और इनका यूट्यूब चैनल है। भैया जी हमारे गांव से 1 किलोमीटर दूर है इनका घर, और दोस्तों भैया जी बहुत ही संघर्ष करते हैं, तो प्लीज इनके चैनल को लाइक शेयर जरूर करिए। इधर पहले अपनी हम पत्नी को दिखाते हैं, सबको दिखाते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं मालती चौहान जी को आप लोग पहचानते ही होंगे, राजा की पत्नी है, रूप तारा ब्लॉक से है। यहाँ पे सभी लोग एकत्रित हुए हैं एक कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, और ये कार्यक्रम रखने का सबसे बड़ा कारण क्या था विष्णु? कारण क्या है कि जैसे कुछ भाई लोग नहीं आ पाते हमेशा, और कुछ लोग आते हैं तो काम बढ़िया से नहीं हो पाता। हम सोचे एक पर्सनली समय रखे और 5 घंटा समय लोगों को दे, जो भी भाई आए सबको मतलब प्रयास प्रमोट करने का किया जाए, कि यदि हम लोग कर रहे हैं तो हमें देख के हो सकता है कुछ मोटिवेशन उन लोगों को मिले और सीखे, यूट्यूब पर मेहनत करना स्टार्ट करें और बढ़िया से। इतनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं और सबका विष्णु जी सपोर्ट कर रहे हैं। मेरा सवाल आपसे ये है विष्णु जी कि आप सबका सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन सपोर्ट करने पे भी सवाल खड़ा होता है। होता है क्या, उससे कोई दिक्कत नहीं है। क्या है सबसे बड़ा ये होता है, सबसे बड़ा रोग और क्या कहेंगे लोग, तो हमें ध्यान देना नहीं है, क्योंकि हमें यदि लोगों पर सपोर्ट करते हैं तो अगर कोई दो चार लोग निगेटिव फील करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, हो सकता धीरे धीरे पॉजिटिव फील करने लगे उसी से, बस हमें यही प्रयास में लगे रहते हैं। और आपका लक्ष्य क्या है, कहाँ तक पहुँचना है? लक्ष्य यही करना है दोस्तों, हमको हाथ में डायमंड ऐसे मिलेगा। मालती कैसे डायमंड लोगी? डायमंड को लेके दोस्तों आप सभी को दिखाएंगे, और हमारा लक्ष्य जब तक डायमंड नहीं आएगा तब तक मेहनत पे मेहनत मेहनत पे मेहनत करते रहेंगे, और 10 मिलियन का सफर बहुत जल्द हम लोग तय करेंगे। बस एक हमारा मेहनत एक जुनून है हमारा कि हम लोग करेंगे तो करेंगे तो करेंगे। और आप सभी लोग, इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठा हुई है, आप लोग विष्णु जी के व्यक्तिगत व्यवहार के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल बहुत सही है, सराहनीय है, इनकी कल्पना किया जाए तो कल्पना से भी परे हैं। इतना बेहतरीन तरीके से बंदोबस्त कराए हैं, और यहाँ पे पानी की व्यवस्था भी कराए थे, और इतने कड़ी धूप में भी हम लोगों का सपोर्ट कर रहे हैं, और काबिले तारीफ है। तो आप सभी लोग यहाँ पे जो लोग भी इकट्ठा हुए हैं, आप लोग विष्णु जी से पूरी तरीके से संतुष्ट हैं? एक आवाज में आप लोग बोलिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, और फिर हम विष्णु जी से आपको रूबरू कराएंगे, व्यक्तिगत व्यवहार है हमारा। तो क्या है सही बताएं, एक तरफ से मतलब हम लोगों से जो है हम लोग के गुरु लगेंगे एक हिसाब से, जो कि इसलिए दोस्तों हमारे गाँव से मालती मतलब समझ सकते हैं इतना मेहनत करते हैं। और साथ में दोस्तों बता रहे हैं भैया जी यहाँ पर सिर्फ पर्सनली इसी के लिए नहीं, अपना मतलब सोशल वर्क भी करते हैं, उसके हिसाब से यहाँ आए हैं। समय आज बहुत ही बढ़िया समय मिल गया कि यहाँ हो गया, नहीं तो समय भी नहीं मिलता, सही है ना? हम काफी दिनों से इनसे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और इनसे आज यहाँ मुलाकात होती है, जबकि हमारा और इनका मकान तकरीबन 1 किलोमीटर की दूरी पे है, हमारी मुलाकात नहीं हो पाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं समय की समस्या हमारे पास ही थी। विष्णु जी से जब भी मिलना चाहे तो विष्णु जी से कोई भी मिल सकता है। हम बता रहे भैया जी ट्रक के ड्राइवर हैं, ट्रक चलाते हैं, तो समझ सकते हैं कि ड्राइवर की जिंदगी कहाँ कब क्या हो जाए, कहाँ जाना पड़े, कहाँ न जाना पड़े, रात बिरात, तो बस इसीलिए दोस्तों ऐसा है, सही है ना? बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आपका इस वीडियो में जुड़ने के लिए, और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक शेयर करिए। धन्यवाद।